मायरा तुम आओ ना, वो तुम्हें कुछ कहना था तनुजा। हाँ कहो ना। एक्चुअली ब्रो ने कहा है अभी। देखो मायरा, अगर मेरी शादी तनुजा से नहीं हुई बट प्रॉमिस यू मैं जिंदगी में कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगा। क्या हुआ मायरा, बोलो ना क्या हुआ। वो एक्चुअली ब्रो ने कहा था तुम्हें कहने को, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, गॉर्जियस लाइक ऑलवेज। हाँ यही कहना था मुझे बस। हद कर दी आज तो, ऋषि ने अपनी सारी हदें पार कर दी। मंडप में एक लड़की को छोड़ करके कैसे जा सकता है वो? सारी बिरादरी, सारे रिश्तेदारों के सामने वो एक लड़की को कैसे छोड़ सकता है? कैसे? तेरे बेटे ने ये घर या सड़क से मेरी बेटी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसको मंडप में छोड़ा है। उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मेरे लिए तो उसकी पहले से जिंदगी बर्बाद थी। अरे एक पैसे की इज्जत नहीं मिली उसको इस घर में, और ऊपर से आज इतनी बेइज्जती। और तो और माँ बाप ने भी नहीं रोका। हाँ ऐसी बात नहीं है कंचन, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करे। तो तूने तो खुद देखा ना, ये मनप्रीत जो हमेशा अपने भाई का साथ देता है, उसने भी आज इसको रोकने की कोशिश की। तूने खुद देखा ना। हाँ मॉम, कोशिश करी रोकने की, क्योंकि भाई ने कहा था, भाई ने बोला था कि अगर वो लड़खड़ाए, उनके कदम लड़खड़ाए तो उनको वापस से खड़ा कर। लेकिन आज भाई का डिसीजन देख लिया मैंने, और देख लिया कि भाई चाहते क्या है। तो भाई चाहते हैं ना, और मैं भी चाहूंगा। भाई को मेरी जरूरत है, और ये मनप्रीत सिंह बेदी अपने भाई के पास जरूर जाएगा। अब क्या बात करूं मैं? हाँ तेरे बड़े बेटे ने नेत्रा और मेरे मुंह पे तमाचा मारा, और अब तेरा छोटा बेटा तुम सबके मुंह पे तमाचा मारकर चला गया। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ कर भी नहीं सकती। मेरा मतलब ये है कि हम सब चाहे जितना भी चाह ले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होना वही है जो ऋषि चाहता है, जो उसकी किस्मत चाहती है, जो भगवान चाहते हैं। मैं जानती हूं कि अभी जो हुआ वो गलत था, लेकिन आप इस तरह से मॉम पे क्यों इल्जाम डाल रही हैं? आप उनके साथ ऐसे रूडली क्यों बात कर रही हैं? आप तो जानती है ना कि मॉम चाहती थी कि ऋषि और नेत्रा की शादी हो, और मॉम ने तो जितनी हो सकती थी उतनी कोशिशें भी की। ऋषि सबके सामने नेत्रा से माफी मांग चुका है, और उसकी परमिशन लेके वो गया है। आप प्लीज मॉम को कुछ मत कहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं आंटी, तो मुझे लगता है कि आपको नेत्रा के पास जाना चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा उसे आपकी जरूरत है। देखा देखा रानू, कैसे बोल के गई है तेरी छोटी बहू मुझे। बहन जी आप इतनी देर से मतलब ये सब बोल रही थी, हम बुजुर्गों ने तो बर्दाश्त कर लिया, वो जवान खून है, और वैसे भी किसी ने तो कुछ ना कुछ बोलना ही था। बिल्कुल सही कहा है उसने। आज नेत्रा को अपनी माँ की जरूरत है। यहाँ लड़ने से अच्छा है अपनी बेटी के पास जाके बैठ। वो बेचारी किस्मत से अकेली लड़ाई लड़ रही है, तू जाके उसे तसल्ली दे, और यहाँ लोगों को रुलाना छोड़, जाके बेटी के आंसू पोंछ। तनुजा को बता ही देना चाहिए कि ऋषि ने नेता से शादी नहीं की। पर कैसे बताऊं? मनप्रीत, हेलो 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 मायरा। हाँ हाय मनप्रीत। माँ भाई को आए क्या? ऋषि यहाँ आने वाला है। अरे हाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से निकले तो वहीं आएंगे ना, और कहाँ आएंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऋषि भाई ने ना नेत्रा के साथ में मंडप में शादी करने से मना कर दिया, ठीक है। और ये बोला है दुनिया के सामने, ये बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ तनुजा से प्यार करते हैं, नेत्रा क्या किसी भी लड़की से वो शादी नहीं करेंगे। क्या? ओके? उसे सबके सामने हाँ और क्या, वहाँ पे ऋषि भाई किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं, समझी? तो यार पुलिस वाले ड्राइव करते करते बात करूंगा, अंदर डाल देंगे मुझे। एनीवेज मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, आई विल सी यू, बाय बाय बाय, रखता हूँ, बाय बाय बाय। अच्छा मनप्रीत लिसन, ब्रो ने ना बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। हेलो मनप्रीत लिसन, हेलो हेलो, मैं फोन ही कटो क्या? ओ गॉड, तनुजा का ये जानना बहुत जरूरी है कि ऋषि ने नेता से शादी ही नहीं की है, तो अब भी तनुजा से प्यार करता है। आई हैव टू टेल हर, आई हैव टू। तनुजा, तनुजा मुझे तुमसे कुछ, ये तुम्हारी रिंग, ये मेरी नहीं है। तनुजा तुम्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तुम इस रिंग के बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहती हूँ कि अब इस रिंग का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तनुजा मैं इस रिंग के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हें कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? अभी तुम्हें नीचे बुला रहा है, जल्दी चलो। मॉम प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ना, मुझे तनुजा से इम्पोर्टेंट बात करनी है, जस्ट 2 मिनट। हाँ कर लो। तनुजा मुझे ना तुम, अरे कर लो ना बात, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? हाँ बोलो ना क्या हुआ। नहीं मैं बात करती हूँ। तनुजा नीचे सारे मेहमान वेट कर रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ। मायरा तुम खिड़की बंद कर आना। देखिए सर आप आ रही है, मेरी बात सुनिए, आप प्लीज बाहर आइए। मेरी बात बाहर आइए सर, देखिए मैं जाना बहुत जरूरी है। आप आइए ऋषि, मेरी बात सुनो, कंट्रोल जा रहे ना हम लोग, जा रहे मुझे अंदर चलो। हां चलो भाई, चलो तुम लोग, मैं क्या काफी हूं। अरे हां चलो समझा तू, ये कोई तरीका है? अरे हां तरीका नहीं होता ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ठीक है ना? अभी काम डाउन। ऋषि व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम्हारा भाई पागल है? इतनी सिक्योरिटी गार्ड्स कौन रखता है? नहीं माना कि मैं ऋषि सिंह बेदी हूं, लेकिन इतने गार्ड्स कौन रखता है शादी के बाहर? स्टूपिड इडियट। ऐसा नहीं है ब्रो, को लगता है कि तुम जो करते हो ना वो गलत करते हो, और गॉड फॉरबिड अंदर चले गए ना तो जो करोगे वहां पे वो भी गलत करोगे। ऋषि उनको लग रहा है कि तुम उनकी शादी स्पॉइल कर दोगे यार, इसीलिए ये सब कर रहे हो। सही कहा तुमने, शादी स्पॉइल नहीं करूंगा, होने नहीं दूंगा। भाई ऋषि प्लीज काम डाउन, लिसन टू मी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये फाइट करके शादी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, शादी तभी रुकेगी जब तनुजा जाएगी। Exactly. उसके लिए मुझे जाके तनुजा से बात करनी होगी, समझी तुम ऐसे नहीं जा सकते हो ऋषि, लिसन टू मी यार। उन्हें सिक्योरिटी बहुत टाइट रखे यार, वो तुम्हें अंदर जाने ही नहीं दे सकते। ऋषि भाई सुनो ना, दरवाजा तो बंद है, दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन खिड़की से तो अंदर जा सकते हैं। कितनी बार गए थे ना, चुप, खिड़की दरवाजा सबको देखिए, पॉसिबल नहीं है यार, चुप रहे यार। क्या करें यार, ये सब तुम्हारी वजह से, ऑल बिकॉज़ ऑफ योर ब्रदर। अरे नहीं तुम बताओ मैं अंदर कैसे जाऊं? लड़के कोई फायदा है? एक मिनट मेरे पास एक आइडिया है। अरे कौन सा आइडिया यार? क्या ढोल में झोल। अबे ठो, अरे हां ये ढोल वाले हैं, शादी में नाचने गाने हैं। वही तो बोल रहा हूं, भाई समझ जाएंगे। क्या बोलते हो भाई? ऋषि आर यू लिसनिंग? अब एंट्री मारेंगे धमाल के साथ। क्या जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। भाई 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 आप क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों घूर-घूर के देख रहे हो? तनुजा को तुम तो क्या करो? नहीं मुझे मत देखो, लेकिन देखो ऐसे सबके सामने देखोगे ना उसको तो यार पकड़े जाएंगे यार, बहुत पेटेंगे। ऋषि भाई प्लीज समझो बात को यार, प्लीज देखना यार मैं क्या करूं, नजर नहीं हट रही यार। कितनी गॉर्जियस लग रही है तुम दोनों की जोड़ी, कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन शादी में अगर दूल्हा दुल्हन डांस ना करे तो कुछ मजा नहीं आता। अरे आज बहुत खुशी का दिन है, तुम दोनों भी इस खुशी को जियो। कम ऑन डांस करो। मासी कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि अकेले में क्या करें, कुछ तो सोचो। Listen. Can I have your attention please? आप लोग ने अभी बहुत ही अच्छा भंगड़ा देखा और अब देखिए मेरे अभी और तनुजा का डांस। कम ऑन लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। इसकी तो मैं आराम से इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं से यार। भाई देखो तो अब सुनो, आई नो तुम डांस नहीं करना चाहती, लेकिन मासी ने अनाउंसमेंट कर दी है तो उनका दिल रखने के लिए आई थिंक डांस कर लेते हैं। तुम ठीक तो हो ना? सॉरी यार मैं फिसल गया था। थैंक यू। हाँ ठीक तो हो, चोट तो नहीं लगी? तनुजा यू ओके? क्या करो मतलब मुझे और इंतजार नहीं हो रहा, मुझे जाके बात नहीं 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 भाई सुनो मेरे भाई प्लीज सुनो, मेरी बात सुनो। देखो मुझे बस 5 मिनट में सब कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। 5 मिनट? हाँ 1 मिनट वेट नहीं कर पा। तू 5 मिनट की बात कर रहा है, तू पागल हो गया? अरे भाई प्लीज ऐसे सबके सामने बात नहीं कर सकते, बस 5 मिनट दे दो। 5 मिनट में आप दोनों की बात करवाता हूँ, मैं सोचता हूँ ना कुछ, प्लीज। ओके 5 मिनट से अगर 1 मिनट ऊपर हुआ मैं सबके सामने जाके बोलता हूँ मैं उसे प्यार करता हूँ। तनुजा को गुस्सा आ जाएगा यार, आप भूल गए क्या लास्ट टाइम कैसे सबके सामने बात की थी तो तनुजा को लगा था कि आपने उसकी इंसल्ट की है, फिर उसने सबके सामने आपको सुनाया था। भूल गए क्या? याद है कि नहीं? हाँ यार ये बात तो मैं भूल गया कि पिछली बार बहुत एम्बैरेस हो गई थी वो, फिर उसे गुस्सा आया था। सॉरी मैं तो क्या हुआ? तू क्या कर रहा है? तूने कहा था तू 5 मिनट जाएगा। मैं जा रहा हूँ 4 मिनट। 4 मिनट्स में आई विल बी बैक। ओके 4 मिनट मैं बता रहा हूँ 4 मिनट अगर मैं सबको बोल दूँ मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा पर यार प्लीज यहाँ पे मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, आ जाओ आना प्लीज। क्या तुम कैसे? अरे तुम ऐसे कितने अच्छे लग रहे हो। पता है मुझे मायरा ने पहले ही बोला था कि तुम दोनों ढोल वाले बनने वाले हो। अरे भाई योजना मेरी घरवाली वाली बात प्यारी सी। अभी तक क्या बाहर वाली वाली बात कर रहे। अच्छा सुनो 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 ध्यान से बात सुनो। सुना भाई ने मुझको 4 मिनट के अंदर मैंने अगर उनको तनुजा से नहीं मिलवाया ना तो वो दुनिया के सामने सबके सामने जाके तनुजा से बात कर लेंगे यार। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अरे यार इतनी देर से क्या चाइनीज में बोल रहा हूँ, बताओ ना आइडिया। मेरी माँ दिमाग खराब मत करना वरना जो आइडिया है ना वो यूटर्न लेके चला जाएगा। तो आइडिया मेरा ये है कि मैं जाऊंगी तनुजा के पास और फिर मैं उसे ब्राइडल रूम में लेके चली जाऊंगी। अरे एक मिनट क्या है? अरे यार तुम्हारा चेहरा पहचान लेगा ना यार। हाँ तुम अब समझा, समझदार होगी मेरी। अरे सुनो ये छोटे कुछ नहीं होने वाला, मुझे आके तनुजा से बात करनी होगी। आज मैं ही बात करूंगा। सॉरी बहन जी सॉरी। नहीं अच्छा सुनो भाई जी तारी दुल्हन तारे वास्ते वेट कर रही है जी। सुनो ब्राइडल रूम में आ जाना, मैं फटाफट तनुजा को लेके देखो ठीक है। जो बात करनी है करो, डोंट फॉरगेट उसको घर वापस लेके आओ। अगर नहीं लाना तो तुम्हारा नहीं मुँह मत तोड़ना, मैं उसे ले आऊंगा। वैसे तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, थैंक यू। चलो चलो मैं जाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.